हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ योर सेट चैप्टर। अभी ये जो सेट वर्ड होता है, इसका जो आप मीनिंग की बात करेंगे, इसका मतलब क्या होता है सर, तो फिर उससे अगर आप चेकआउट करेंगे तो सेट का मतलब होता है ग्रुप्स, या फिर आप इसे एक और वर्ड बोल सकते हो कलेक्शन। जब आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कलेक्ट करते हो और उनके ग्रुप्स बनाते हो तो उसे आप क्या बोलते हो, सेट। जैसे अगर मैं बोलूँ नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, तो जब मैंने नेचुरल नंबर बोला तो उसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो भी नेचुरल नंबर है, तो उसका एक ग्रुप बनेगा। ग्रुप बनेगा तो उसको, वो जो ग्रुप वर्ड है उसको इन्होंने यहाँ पर रिप्लेस किससे कर दिया है, सेट से रिप्लेस कर दिया। एक और एग्जाम्पल अगर मैं दूँ आपको, तो सात सुर जो होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो सात सुर होते हैं ये भी एक क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। और ये ग्रुप बना रहे तो ये भी आपका किसके अंडर में आएगा, सेट के अंदर आएगा। एक और एग्जाम्पल अगर दे तो डेज ऑफ द वीक जो होते हैं, संडे मंडे ट्यूजडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, टोटल कितने होते हैं, सेवन होते हैं। तो ये जो सेवन डेज है ये भी एक क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, और ये साथ ही है ना, चेंज नहीं होते। तो ऐसे ग्रुप को आप क्या बोलते हो, सेट बोलते हो। अच्छा, जब भी मैं सेट की बात करता हूँ तो इसके अंदर दो लोग आते हैं, एक होता है हमारा ये और एक होता है हमारा ये। अच्छा, अभी इनका मतलब क्या है, यहाँ पर आरओ का मतलब होता है रोस्टर फॉर्म, और आरओ का भाई कौन है, इसके साथ ही जो आएगा वो कौन रहता है हमारा, लिस्टिंग मेथड। ध्यान रखना, या तो आपको रोस्टर फॉर्म बोलेंगे या तो आपको बोलेंगे कि राइट द फॉर्म इन लिस्टिंग मेथड, तो दोनों का मतलब सेम होता है, सिर्फ नाम अलग है। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो एस ई का मतलब होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और आर यू का मतलब होता है रूल मेथड। तो एक आपका रहता है फॉर्म और दूसरा आपका रहता है मेथड। तो यहाँ पर बात करेंगे तो आउटर रोली, रोली में आपका जो आर ओ है वो होता है रोस्टर फॉर्म, और एल आई जो होता है वो होता है लिस्टिंग मेथड। सिमिलरली यहाँ पर जो आपका सेरू है, सेरू में एस ई जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, और आर यू जो है वो क्या होता है, आपका रूल मेथड होता है। अभी मुझे इसमें समझना है कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या बोला, लिस्टिंग मेथड, तो जब भी लिस्टिंग मेथड बोला रहेगा तो इसमें हमेशा जो आप सेट लिखोगे, सेट हमेशा किससे डिनोट करते, कर्ली ब्रैकेट से नोट करते हैं, दिमाग में रखिएगा। लिस्टिंग मेथड बोला तो यहां पर आपके ऐसे लिस्ट बनेंगे, तो जिसमें ऐसे नंबर्स आ रहे हैं विद कॉमा इन बिटवीन, तो वो आपका हमेशा किस में रहेगा, या तो रोस्टर फॉर्म में रहेगा या तो लिस्टिंग फॉर्म में रहेगा। आपको याद रखना है, अगर आपको बोला लिस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट करो तो ऐसे में कन्वर्ट करना है। और जब आप इसको यहां पर देखेंगे तो ये ऐसे लिखा हुआ रहता है, वाई सच दैट वाई इज एन इंटीजर। जब ऐसे वर्ड्स में लिखा रहेगा तो वो आपका कौन सा फॉर्म रहता है, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड। आई होप आपको ये दोनों पार्ट समझ में आ गया, और अच्छे से समझ में आएगा जब आप इसे क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे। तो चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या बोला यहाँ पर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। अच्छा, इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है, और इवन का मतलब क्या होता है, जो आपका 2 के टेबल में जाता है। तो जब मैं इसका सेट लिखूंगा तो इसको सबसे पहले लिख लीजिए ऐसे, लेट ए इज इक्वल टू, फिर करली ब्रैकेट ओपन, सेट ऑफ इवन, या फिर ऐसे लिखिए, लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, देयरफॉर ए, फिर आपका क्या होगा, करली ब्रैकेट ओपन। अच्छा, अभी यहाँ पर ना क्वेश्चन में आप देखोगे तो राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब क्या, ये वाला फॉर्म रहेगा, मतलब यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, नंबर्स लिखने और उसके बीच में कॉमा आएंगे, या फिर अल्फाबेट्स रहेंगे उसके बीच में कॉमा आएंगे। तो यहाँ पर सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ से चालू होता है, 1 से, बट 1 आपका इवन है क्या, नहीं। तो उसके बाद कौन सा नंबर आता है, 2 इवन है, फिर 3 नहीं है, 4 है, फिर कौन है, 6 है, फिर कौन है, 8 है, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता। क्यों, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, यहाँ पर कोई लास्ट टर्म आपको नहीं दिया, आपको सिर्फ सेट बोला है। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। तो आई होप आपको समझ में आया रोस्टर फॉर्म आपको कैसे लिखना है, ऐसे नंबर्स रहेंगे और उनके बीच में हमेशा क्या रहेगा, कॉमा। जब भी आप कॉमा यूज कर रहे हैं हमेशा याद रखना रोस्टर फॉर्म। लिस्टिंग का, लिस्ट का मतलब क्या होता है, लिस्ट बनाना, तो यहाँ पर देखो तो लिस्ट बन रही है, तो उससे भी आप याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो यहाँ पर आप क्या लोगे, लेट बी इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर,
इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब क्या? प्राइम नंबर मतलब जो सिर्फ वन के टेबल में जाता है और खुद के टेबल में जाता है। सपोज आई टेक अ नंबर सेवन, सेवन एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ सेवन के टेबल में जाता है और वन के टेबल में जाता है, तो उसे आप क्या बोलते हो? प्राइम नंबर। तो ऐसा प्राइम नंबर चाहिए, बट वो क्या होना चाहिए? इवन। तो ध्यान रखना, जब भी आपसे पूछा है कि ऐसा नंबर, ऐसा प्राइम नंबर जो सिर्फ इवन है, वो एक ही नंबर होता है, दैट इज योर टू। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? टू रहेगा। क्यों? क्योंकि पूरे जितने भी आपके पास नंबर है उसमें सिर्फ एक ही, एक इकलौता ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है। तो इवन प्राइम नंबर बोला तो आंसर आपका क्या रहेगा? टू रहेगा। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू आई होप आपको समझ में आए, बेसिक से जा रहे हैं, ज़्यादा घाई नहीं है अपने को, बहुत सिंपल पार्ट से स्टार्ट किया। देखिए अभी यहाँ पर क्या बोला, लेट सेट ऑफ नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पर भी मैं क्या लूँगा, लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। अच्छा, जब नेगेटिव नंबर्स बोला तो आपको क्या याद आना चाहिए भाई? नंबर लाइन याद आनी चाहिए। ये देखो, ये मेरी नंबर लाइन रहती है, ये जीरो रहते हैं, यहाँ पर सब प्लस वन से चालू होता है, यहाँ पर माइनस वन से चालू होता है। तो नेगेटिव नंबर बोला मतलब आपको ये वाला पार्ट देखना, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ए इज इक्वल टू ब्रैकेट माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता। तो फाइनल नंबर एट द एंड वाला नंबर नहीं पता, तो आप क्या करोगे, डॉट 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 लिख के कंटिन्यू करोगे। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, सेवन बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। अभी मैंने शुरुआत में वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि ये आपका किस में आता है, सेट में, सेट आपका ये बना कर देता है। तो यहां पर क्या लिखता हूं, लेट बी इज इक्वल टू सेवन बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। अब इसमें जब आप बी का वैल्यूज लिखते हो तो वो आएगा सा, फिर रे, फिर गा, फिर मा, सा रे गा मा, फिर पा, फिर धी, पा धी नी, और फिर सा। लेकिन अगर आप ये सा वापस लिखोगे तो आठ नंबर हो जाएंगे, सा रे गा मा पा धी पा ध नी सा, ऐसे आप पूरा लिखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हो जाते हैं ना, तो ये लास्ट वाला जो होता है वो रिपीट होता है। तो आपको सिर्फ यहीं तक लिखना है, सारे गामा पा धा नी, पा धा नी तक ही लिखना है, सा नहीं लिखना है। तो ये आपका कौन से फॉर्म में हो गया? देखिए ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, ये आपका कौन सा फॉर्म है? सेरू वाला फॉर्म है, सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड। और इसको आपने किस में कन्वर्ट किया? ये फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये फॉर्म में आपने लिस्ट बनाया, तो इसे आप बोलते हो लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर फॉर्म। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर टू। इसमें क्या बोला, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड फॉर्म। आपको क्या करना है, जो सिंबल्स यहाँ पर दिख रहा है आपको उसके वर्ड्स लिखकर उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए चेकआउट करते हैं फर्स्ट वाला ये जो क्वेश्चन है। अभी ध्यान दीजिएगा, जब भी ये सिंबल आता है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अगर ये सिंबल आएगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू। क्यू दिया है तो रैशनल नंबर, आर दिया है तो रियल नंबर, एन दिया है तो नेचुरल नंबर, डब्ल्यू दिया है तो होल नंबर, ये सब आपको रिप्लेस करना है। और अच्छा, अगर ऐसे दिया है तो इसे आप लिखते हो पी सच दैट पी या फिर क्यू सच दैट क्यू, जैसे आएगा वैसा वैल्यू। तो यहाँ पर देखते हैं, फोर बाई थ्री है तो आप फोर बाई थ्री लिखोगे, ये वाला साइन कौन सा है, इसके जैसा साइन है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, फोर बाई थ्री बिलोंग्स टू, क्यू का मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर, फोर बाई थ्री बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड वाले का देखोगे तो माइनस टू, ये डज नॉट बिलोंग टू है, तो यहाँ पर आप लिखोगे डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर n है, w दिख जाता तो मैं क्या लिखता, होल नंबर लिखता। तो डिपेंडिंग कि कौन सा सिंबल दिया है या फिर कौन से शॉर्टकट दिया है, उसको आपको लिखना है। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन, ये और सिंपल है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देखो p इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा p, ये डैश का मतलब आपको क्या बताया था, p सच दैट p इज एन ऑड नंबर। तो यहाँ पर मैंने क्या रिप्लेस आउट किया, देखिए यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू था इसकी जगह बिलोंग्स लिखा, ये जो क्यू था इसकी जगह लिखा है रैशनल नंबर, यहाँ पर ये जो पार्ट है इसकी जगह लिखा है डज नॉट, और ये इसकी जगह लिखा है नेचुरल नंबर, यहाँ पर ये लाइन की जगह लिखा है सच दैट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चालू है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी की कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।